हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं एक कंटेंट और लेकर के आया हूँ। ये हमारे पास वीवो का एक फ़ोन है, वीवो का Y90i मॉडल है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये प्रॉपर पूरा चालू है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड, इस फ़ोन में आज हम करने वाले हैं, इसकी हम करने वाले हैं फ्लैशिंग। अगर आप SP फ्लैश टूल से आपका एरर आ रहा है, जी हाँ, आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही इजी मेथड से ये हमारा फ्लैश हो जाएगा। अगर आप फंस रहे हैं फ्लैशिंग में, तो आपको जो हमारा मेथड है, और हमारे चैनल्स, और हमारे काफ़ी चैनल्स में वीडियो डले हुए हैं हमारे चैनल में, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो ये जो कंटेंट है फ्रेंड, ये हमारा प्रॉपर फ़ोन चालू है, कोई भी डेड नहीं है, सारा कुछ ओके है। वीवो का Y90i हम इसको लाइव फ्लैश करने वाले हैं। हम इसको करने वाले हैं अनलॉक टूल से फ्लैश करेंगे फ्रेंड। तो आप अनलॉक टूल से, जैसा इसकी फ्लैशिंग है, आप यहाँ पे इसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से अनलॉक टूल से इसकी फ्लैशिंग। क्योंकि अगर आपका SP फ्लैश टूल से एरर आ रहा है, अगर फ़ोन आपका डेड हो जा रहा है, कई सारी चीज़ें फेस करने को देखने को मिलती हैं। तो आप बिल्कुल फ्रेंड, आप यहाँ पे अनलॉक टूल से बहुत ही इजी तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वीडियो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इसकी फ्लैश फाइल। तो मैंने इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी फ्लैश फाइल है। इसमें जो हमारी फाइल आएगी वो स्कैटर फाइल आएगी। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो को देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाते, शॉर्ट वीडियो बनाते जिसमें आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से। तो ये देख सकते हैं स्कैटर फाइल आई हुई है फ्रेंड। तो हमने इसकी फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है, रिव्यू फ़ोन है, चालू फ़ोन है बिल्कुल ही। मैं तो हम इसे अनलॉक टूल से करने वाले हैं, तो इसे हम कर लेते हैं लॉकिंग। तो गाइस, वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इसके रिजल्ट को। अनलॉक टूल अभी बेस्ट चल रहा है, और इसके वीडियो के बारे में आपको चाहिए तो आप आई बटन में जाके, आप हमारे चैनल में जाकर के इस टूल के बारे में फुल डिटेल, कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे आप इसे परचेज कर सकते हो, सारी चीज़ डिटेल मैंने यहाँ पे डाली हुई है वीडियो में। तो और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को, हमारे टूल खुल रहा है फ्रेंड। तो इसके लिए हमें फाइल चाहिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी MCT टूल का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी MCT बाईपास टूल का यूज़ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे में हमारा ये अनलॉकिंग हो जाए। तो वीडियो में ऐसे ही आप बने रहें। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इसे बूट कराना है, कैसे हमें क्या करना है, वो सारा स्टेप हम यहाँ पे आपके सामने ही दिखाएंगे। तो हम फ़ोन को यहाँ पे तब से बंद कर लेते हैं जब से हमारा टूल ओपन हो रहा है। तो फ़ोन को मैं यहाँ पे प्रॉपर कर लेता हूँ ऑफ। तो देखते हैं कि फ़ोन हमारा डेड वेड होता है कि नहीं होता है फ्रेंड। तो ये हमारा जो वीडियो का कंसेप्ट है, वीवो Y90i, आप इसे फ्लैश कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, फटाक से हमारा ये खुल जाएगा फ्रेंड यहाँ पे। और ये हमारा अनलॉक टूल, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है खोलने में, और बहुत ही इजी तरीके से ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा अनलॉक टूल ओपन हो चुका है। इंटरफेस जो कि डेली का अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल बहुत ही बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टूल में काफ़ी सारा अपडेट देखने को मिल जाता है फ्रेंड। आप ये टूल बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए अभी भी हम बात करते हैं, आपको वीवो में नहीं जाना है क्योंकि आप यहाँ से फ्लैशिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे CPU वाइज है। तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा MediaTek। तो हमें यहाँ पे MediaTek पे जाना पड़ेगा फ्रेंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने आई थिंक एक मॉडल और ऐड कर दिया है यहाँ पे, मेजूज। मेजूज तो था ही आई थिंक। तो ये सारे MI, सैमसंग, हवाई सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमें यहाँ पे फ्लैश करना है। तो अगर ये छोटा हो जाता है, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है? तो छोटा हो गया है थोड़ा सा। तो चलिए हमें MediaTek पे जाना है। MediaTek में जाने के बाद हमें जाना है फ्लैश पे। फ्लैश पे जाने के बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पे सर्वर का एक बटन दिखाई दे रहा है, आपको सर्वर को टिक कर लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी, बहुत ही वॉइस के साथ आपको वीडियो में डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लिया वीवो, और यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मॉडल है वीवो 9 1820 PD 1818 HF, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ये आपका DA को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने DA को डिटेक्ट कर दिया। अब आपको चाहिए फाइल, तो फाइल लेने के लिए हमारी फाइल डेस्कटॉप पे रखी हुई है। तो हम यहाँ पे फाइल, हमारी फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, ये देख सकते हैं इसके अंदर है। ये हमारी वीवो 90 1C, जिसे 90i भी बोलते हैं। और इसके अंदर जाते हैं
और यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इस कटर को दे देते हैं। इतना ही काम है। अभी हमारी फाइल देखिए हो सका पूरी लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, हमें फोन को यहाँ पे फ्लैश पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑथ बाईपास। आपको अलग से एमसीटी टूल चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एनी मीडियाटेक सीपीयू आप यहाँ से ऐसे ही फ्लैश कर सकते हो। तो ये देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑथ बाईपास पे क्लिक कर दिया है फ्रेंड। अब आपको यहाँ पे कर देना है फ्लैश पे क्लिक। अब आपको चाहिए एक टाटा केबल, जो कि मैं यहाँ से डाटा केबल एक निकाल लेता हूँ। ये डाटा केबल चाहिए। अब देखिए ओके ओके हमारा सब कुछ हो चुका है। अब फोन को आपको फ्रेंड क्या करना है, देखिए ऑथ बाईपास के लिए भी हो चुका है, सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हमें बिना भी कोई बूट की प्रेस किए हुए हमें फोन को कनेक्ट करना है। अगर एक बार कनेक्ट नहीं होता है तो वैल्यूम अप डाउन दबा के कनेक्ट करना है। पहले आपको डायरेक्ट लगाना है, नहीं होता है तब आपको वैल्यूम अप डाउन दबा करके कनेक्ट करना है। तो मैं अभी फिलहाल कोई भी बूट की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हुआ है, कॉम बना लिया है, और देखते हैं कि कोई एरर या फिर क्या प्रॉब्लम आती है। ब्राउन, तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग का सिंबल आ गया, मतलब नहीं। आपको अब कैसे करना है, वैल्यूम अप डाउन। तो इसीलिए मैं सारे एरर्स और सारे सब कुछ आपके सामने ही बनाता हूँ, क्योंकि जब हमारा ये ऑथ बाईपास होता है तो इसकी जो कनेक्टिविटी होती है ऑथ बाईपास का, वो वैल्यूम अप डाउन ही होता है। तो मैंने आपके सामने दिखा है एनी मीडियाटेक का, मैं बता रहा हूँ ये। तो आप चलिए Y91 का मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। क्लोज हो गया, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। सॉरी तो फ्रेंड, ये हमारा जो कट गया था ऑटो कट, तो उसमें कोई दिक्कत बात नहीं, मैंने फटाक से सब कुछ डाउनलोड करके कर दिया। अब हमने यहाँ पे ऑथ बाईपास पे क्लिक कर देना है, फिर से फ्लैश पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूम अप डाउन दबाना है। अगर ये फ्लैशिंग टाइम पे हो जाता तो हो सकता फोन डेड हो जाता। तो मैं यहाँ पे वैल्यूम अप डाउन को प्रेस किया हूँ फ्रेंड, और यहाँ पे फोन को कनेक्ट करता हूँ। वैल्यूम अप डाउन हमने प्रेस किया हुआ है और फोन को हमने कनेक्ट किया आपके सामने लाइव। पहले हमने डायरेक्ट किया था, नहीं हुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं डीए सेंडिंग डीए ओके हो चुका है। मैं फोन को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। अभी हमारी फ्लैशिंग चालू हो गई फ्रेंड, कोई भी एरर नहीं आया। वन टाइम में आप एनी मीडियाटेक भी ऐसे फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि आप ये ज़्यादातर बहुत सारे एरर आपको टूल में देखने को मिल जाएगा, पर यहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर टूल है तो आपको एरर की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, फिर देखूंगा कि हमारा फोन चालू होता है कि नहीं होता है सारी चीज़ें। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो को कैसा लगता है, और आपका ऐसा ही प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्द हम आपके लिए जो जितने हो सकता है उतने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो लाइव यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग चल रही है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम की फाइल अभी राइट हो रही है, और देखते हैं कोई एरर नहीं आया। मैंने दो तरीके से किया, पहले मैंने डायरेक्ट लगाया, नहीं हुआ, फिर मैंने अप डाउन लगाया और हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आपको कई सारे वीडियो अनलॉक टूल के बारे में हो, या एसपी फ्लैश टूल के बारे में हो, या 6A की ऑफलाइन फ्लैशिंग हो, मैं ऐसे कई सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वीवो की फ्लैशिंग में अगर आपको कोई एरर आ रहा होगा तो फ्रेंड आप इसे देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अनलॉक टूल के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारे आई बटन में जा करके या हमारे चैनल में जा करके वॉच कर सकते हो, कि आपको यहाँ पे सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये फ्लैश हो रहा है 58 में, कोई वीडियो स्किप नहीं करो, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन रही है तो आप उसको डबल टैप करके स्किप करके आगे जा सकते हो। बाकी मैं कोई भी स्किप वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्या पता कोई एरर आ जाए लाइव। तो यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं, हम चल रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी खोल लेते हैं फ्रेंड, और ये देख लेते हैं पोर्ट हमारा बना है कि नहीं बना है। जब से खाली है तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो हम पोर्ट में आते हैं, तो पोर्ट में आप देख सकते हैं मीडियाटेक का हमारा पोर्ट बना हुआ है बहुत ईजी तरीके से। यहाँ पे जो एरर्स आते हैं, हमारी ऑथ का एरर होता है, कनेक्टिविटी का एरर होता है, ड्राइवर का एरर होता है, बहुत सारी चीज़ों का मसला होता है। तो आप हमारे चैनल को वॉच कर सकते हो, या तो आपको पर्टिकुलर परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आप हमारा एसी टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल वे तरीके से आपको यही सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर से आपको दिया जाएगा। अब हमारा ये सिस्टम हो चुका है, वेंडर हो चुका है, अब हमारा यहाँ पे यूज़र डाटा जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी पैटर्न FRP या कुछ भी होगा वो सारा लॉस हो जाएगा। बाकी हम विदाउट डाटा लॉस भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे और कई सारी चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें क्लास में आपको दिखाई दी जाती है। तो ये फोन हमारा ऑन होगा, और देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए होता था विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग कैसे करते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको हम विदाउट डाटा लॉस की फ्लैशिंग आपको दिखाएंगे, कि कैसे बिना डाटा लॉस किए हुए आप किसी भी फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा देर और, 60% हो चुका है, बहुत ही कम समय में, कोई एरर नहीं। अब लाइव भी कर रहे हैं, जितना आपने वेट किया है तो थोड़ा सा और वीडियो को लास्ट दिन तक देखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा और वेट करिएगा, तो और आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिल जाएगा। तो बस फाइनली
टर्न होने ही वाला है, और यहाँ पे हम फ्लैशिंग में आपको दिखा देंगे, ज़्यादा लास्ट देर तक नहीं खींचेंगे। आपको होम स्क्रीन अगर आ जाता है तो ठीक, डेड होता है तो भी ठीक, ये हम लास्ट में देखेंगे। वैसे डाटा ओके, सब कुछ ओके हो चुका है। 3 मिनट का टाइम इन्होंने लिया है टूल ने। अभी देख सकते हैं कोई भी इंटरफेस नहीं हुआ है, डाटा केबल लगा हुआ है। तो मैं ये देखिए अभी आपको कुछ साइन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डाटा केबल को निकाल देता हूँ। ये देखिए फोन हमारा ऑन हो चुका है, क्योंकि चार्जिंग का साइन आ जाता है। यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन है, हमारा रिबूटिंग डिवाइस ओके पे आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फ्लैशिंग कम्प्लीटली हो चुका है फ्रेंड। अनलॉक टूल बहुत ही बेस्ट है, और ये हमारा हो चुका है। लोगो वो पे नहीं जाएगा, अब ये यूजर डाटा थोड़ा सा टाइम लगा है, तो फ्लैश होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा लगेगा। तो बेसिकली हमारा डेड नहीं हुआ फोन, और ये हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बूट होने में फ्रेंड। तो आप रुकना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप करूंगा और दिखा दूंगा कि ये आया कि नहीं। ये वही फोन है जो कि मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऑन हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो चलिए मैं लास्ट का भी शॉट यहाँ पे दिखा दूंगा। तो गाइज ये फाइनली हमारा ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ये हमारा फोन कोई भी डेड नहीं हुआ। थैंक यू।